hello guys i'm braj verma as i see in my previous video there are so many comments of you uh, people's are having doubt related to ISI, related to admission related to test and related to many things uh, so i thought that uh, i should make a video for you uh, to clear your doubt okay तो दिस इज़ द रीज़न ये वीडियो बनाने के पीछे ये रीज़न है कि आपका डाउट जो भी है बहुत सारे कमेंट करे तो मैं भी इतना जवाब नहीं दे पाता हूँ लोगों के ठीक है बहुत सारे कमेंट और बार बार तो ये चेट करने की भी एक सही जगह नहीं है ओके okay? कमेंट सो आई थॉट दैट कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें उनको सब क्लियर हो जाएगा ओके okay, तो मैंने कुछ कमेंट्स को लिया है जो कि ज़्यादातर लोगों के वही क्वेश्चंस हैं और यही सबका ज़्यादातर डाउट होता है क्योंकि अगर हम मसाई ज्वाइन करेंगे ओके टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए वो फ़ोन से भी हो जाता है लैपटॉप से ठीक है तो ये भी एक सही क्वेश्चन है ओके तो लैपटॉप या डेस्कटॉप सो इसके लिए लैपटॉप होना कंपलसरी है लैपटॉप होना कंपलसरी क्यों है क्योंकि उसमें कैमरा लैपटॉप में भी नेसेसरी है कि कैमरा चालू हो हमारा माइक सही हो क्योंकि उसमें एक टेस्ट होता है जो लगभग एक घंटे चलता है एक घंटे तो कुछ उसमें इंग्लिश होती है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं कुछ मैथ्स रीजनिंग वगैरह होता है ओके एप्टीट्यूड टेस्ट इसके बाद होता है कम्युनिकेशन यानी इंटरव्यू कुछ अगर आप सोच रहे हो कि इंटरव्यू उसमें होता है तो इंटरव्यू कुछ नहीं होता इंटरव्यू ऐसा है कि आपके फ्लुएंट एक्सेंट एक्सेंट देखते हैं ओके okay, कि आप जो भी है यूएस एक्सेंट यानी कि जो विदेश में बोला लाइक like, हम इंडियन इंग्लिश तो एक सिंपल सी होती है हर कोई समझ लेता है कि क्या बोला है लेकिन वहाँ की इंग्लिश थोड़ा सा आसान नहीं होता इतनी आसान नहीं है जितनी यहाँ की थोड़ी सी टिपिकल लगती है हमें डिफरेंट लगती है तो वो चीज़ हमें सुनाई देती है ओके वहाँ पर वॉइस क्लिप होती है वो सुनना होता है और हमें वही बोल के रिकॉर्ड करना होता है एक चीज़ ये होती है दूसरी चीज़ है कि एक सेंटेंस लिखा होता है आपके सामने वो बोलकर आपको रिकॉर्ड करना होता है लगभग 10-15 सेंटेंस होते हैं इस टाइप से कुछ दस पंद्रह कुछ वॉइस क्लिप और इस टाइप से तो यही इंटरव्यू होता है ये समझ सकते हो आप ये कह सकते हो लैपटॉप होना चाहिए और वेबकैम एक कमेंट थी कि वेबकैम मेरा जो वेबकैम है वो आउटर है यानी कि बाहर से लगाया हुआ है ओके okay, तो उसका जो भी लैपटॉप का है वो ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं कोई इश्यू नहीं है होना चाहिए लेकिन उसमें कैमरा चालू होना चाहिए क्योंकि ये उनका रूल्स है वरना आप सेलेक्ट नहीं होंगे ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट कमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंड uh, वन ये है कि क्या uh, टेस्ट देते हैं हम तो कुछ मुश्किल है क्या बहुत टिपिकल है क्या कि यानी बहुत बड़ा इंट्रेंस है क्या है कि भाई आईआईटी एनआईटी जैसा कि कुछ uh, हम एडमिशन नहीं होगा अरे नॉर्मल से यार लगभग uh, 40-50 नंबर का टेस्ट होता है इसमें एप्टीट्यूड होता है मैथ्स वगैरह होता है थोड़ा इंग्लिश uh, होती है लेकिन ये थोड़ी हार्ड इसका लेवल काफ़ी बहुत अच्छा होता है मतलब इतना सिंपल नहीं होती है लेकिन इतना भी नहीं लेकिन अच्छा होता है मतलब बच्चों जैसी चीज़ें नहीं पूछते हैं ओके okay, तो ये सब चीज़ें होती है लेकिन जो पासिंग मार्क्स है ना वो लगभग बीस के समथिंग यानी पचास में से बीस लाना है तो कोई दिक्कत नहीं आराम से पास हो जाओगे ओके okay? तो ये मत सोचो कि बहुत हार्ड है नहीं है नॉर्मल है ओके okay? और नॉर्मल थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको आती है ग्रामर करेक्ट थोड़े बहुत तुक्के लग जाते हैं बाकी थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आपको बाकी दिक्कत आती है कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पोर्शन में क्योंकि कभी कभी वो बोलता है वो एक पूरा सेंटेंस बोलता है एक लाइन और हम थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं लेकिन शायद पीछे का भूल गए तो हमारे पास दो में भी दो अटैम्प्ट होते हैं दो बार हम सुन सकते हैं उसको इसके बाद इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते तो अगर हम उसे सही नहीं पकड़ पाए और रिकॉर्ड अगर एक आध गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हम सही से सुन ही नहीं पा रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं सही से तो वहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है या फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो सेंटेंस को उस टाइप से प्रनंस करना होता है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है ओके टेस्ट के ड्यूरेशन में दूसरा कमेंट ये हुआ एंड थर्ड वन इज़ हाँ थर्ड वन है रिलेटेड टू आई एस ए आई एस ए जो इनकम शेयर एग्रीमेंट है इनकम शेयर एग्रीमेंट चार साल तक चलता है इनका भाई का कहना है कि चार साल तक अगर चलता है तो अगर एक साल में नहीं हुआ तो देखो ये इनकम शेयर एग्रीमेंट का पहले वेबसाइट पे क्या लिखा था कि भाई अगर एक साल में तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे वो चले जाओ आप यहाँ से तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं लेंगे और बस निकल लो वहाँ से लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अंदर जो आई ए हुआ है आई एस का जो पूरा बताया है उसमें ये बताया अगर एक साल के अंदर जॉब कोई सी भी नहीं लगी आपको किसी कंपनी ने लिया ही नहीं ठीक है तो फिर आप जाओ दूसरा काम करो ठीक है नहीं हो पाएगा पैसा भी नहीं लेंगे हम आपसे ठीक है लेकिन अगर एक साल के अंदर कब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके एक साल के अंदर उसके बाद एक साल जो स्टार्ट होगा वो एक साल के अंदर उसके बाद आपको लगभग टू एल की जॉब मिल गई सबसे मतलब इतने की तो मिलती नहीं है वैसे तीन चार लाख थ्री फोर एल तो मिलती है थ्री फोर लेख तो इतनी अगर मिल गई है मान लो दो टू एल मिल गए आपको दस हज़ार रुपये दे रहे हैं तो और इसके बाद ये चार साल तक चलता रहता है अभी से स्टार्ट हो जाता है ओके आई एस ए तो चार साल के अंदर आपके अगर फ़ाइव एल हो जाती है ओके तो आप जरूरी नहीं है कि एक साल के अंदर अगर फ़ाइव एल से कम आपको मिली है तो आप डिनाई कर सकते हो बोले नहीं ज्वाइन करना बाकी ऐसा है बाकी ये है कि अगर आपने मसाई ज्वाइन कर लिया मुझे यहाँ तक लगता है तो आपको जॉब तो करनी पड़ेगी कोई सी भी हो चार साल के अंदर फ़ाइव एल हो जाते हैं एक डेवलपर के वो सबको पता है मुझे भी पता है आपको भी पता है ठीक है तो उन्होंने इसलिए चार साल की कंडीशन रखी क्योंकि अगर ये बंदा तीन लाख रुपये आज नहीं देगा ठीक है अगले साल हो जाएगी इसकी फाइव एल और लगभग दो साल और तीन साल से ज़्यादा नहीं लगते फाइव एल होने में अगर टू एल है तो टू एल पी ऐसे फ़ाइव एल क्योंकि लगभग आपको पता है डेवलपर की सैलरी हर तीन महीने छः महीने एक साल में बढ़ती है तो ये सब चीज़ें हैं इसलिए चार साल तक एक्टिवेट रहता है आई ए तो ठीक है ये कमेंट यहाँ पर बात हो गई आपका क्लियर हो गया एक साल में अगर जॉब नहीं मिली तो ठीक है तो आपको पैसा नहीं देना है आप क्विट कर सकते हो बाकी एक साल के अंदर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर मिल जाती है लेकिन आपको फाइव एल की नहीं मिलती है ओके तो आपको ज्वाइन करना है और जब फाइल भी फाइव एल की हो जाती है चार साल के अंदर अगर तो देना पैसा नहीं तो नहीं देना आपको पैसा ठीक है तो ये रहा ये आपका डाउट था अगर ये चीज़ समझ आपको नहीं आई हो तो फिर से <laughs> पीछे करके वीडियो को फिर से समझ लेना ये चीज़ ठीक से ओके ओके ये वही कमेंट है कि भाई हम टेस्ट दे सकते हैं क्या हम मेरा पी uh, सी है पी सी में वेब कैम लगा हुआ है बाहर से तो दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हो उससे कोई इशू नहीं है ठीक है सब ओके okay, तो और एक और कमेंट यही था कि भाई फ़ाइव एल पी ए से कम लगी तो कंपलसरी यही है क्या कि जॉब लेना है देखो भाई फ़ाइव एल पी ए से कम लगी तो आप इंटरव्यू देते रहो ट्राई करते रहो ट्राई करते रहो ऐसा बोल रहे मसाई वाले कि हम लोग नहीं थकेंगे आप थक जाओगे इंटरव्यू देते देते आपको फ़ाइव एल पी की नहीं मिली इंटरव्यू दो और दो और दो और तैयारी करो और दो इंटरव्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके okay, तो फाइव एल से नीचे आप डिनाई अगर आपको फाइव एल की जॉब मिली है फिर आप सोच रहे हो यार कम की मिली यार थोड़ा सा वो ट्राई करता हूँ तो फिर क्या होता है कि मसाई बोलता है बेटा अगर नहीं मिली देखो जॉब अगर ये फाइव एल की मिल गई हमारा काम हो गया हमें पैसे मिल जाएंगे तेरे को जॉब मिल जाएगी लेकिन अगर इसके बाद तेरे को कम की मिली तो जब तू ज्वाइन कर लेगा वो जॉब उसके पैंतालीस दिन के अंदर ही देखो तीन लाख रुपये देने पड़ेंगे इन हैंड मेल वन शॉट पेमेंट ओके okay, तो ये थोड़ा सा हेडेक होती है जिनको फाइव एल से ऊपर मिल जाती है लेकिन वो रिस्क लेते हैं और ज़्यादा सैलरी के लिए तो ये थोड़ी सी रिस्क होती है बाकी ठीक है बाकी रिस्क वही लेता है जिसे थोड़ा लगता है कि हाँ कर सकते हैं बाकी ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि जो अच्छा कुछ सीख जाता है उसे अच्छी सैलरी मिलती है ओके तो ये सब चीज़ें थी अगर आपको फ़ाइव एल से कम मिलती है तो आप कर सकते हो ट्राई नहीं मैं को ये नहीं लेना और ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मसाई भी आपकी सपोर्ट करता है और बाकी मैंने देखा यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया माहौल है और ऊपर से मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की मेरा फ्रेंड है जो फोर्थ यूनिट में है और बाकी एक बंदे से मैंने बात की है ओके तो उसको अभी सिक्स मंथ हो चुके हैं जॉब करते करते आ, उसको उसने एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताई लेकिन उसने बोला कि टेन टू ट्वेल्व एल के बीच में है मेरी सैलरी ओके okay? तो मेरा लास्ट ईयर था बी वाला है वो तो उससे टेन एल प्लस यानी कि बहुत अच्छी सैलरी होती है और उसने एक चीज़ बताई है कि भाई सिक्स एल मिलता है एट्टी परसेंट लोगों को बेच के एट्टी परसेंट लोगों को सिक्स एल ओके और जो ट्वेंटी परसेंट बचे उनमें से फाइव परसेंट को मिलता है बिलो फाइव ओके पाँच एल से कम मिलता है थोड़ा ज़्यादा कम नहीं जो भी मिलता है मतलब फाइव एल से कम मिलता है पाँच परसेंट लोगों को पंद्रह परसेंट होते हैं बहुत ऊपर दस पंद्रह बीस पच्चीस जो भी हुआ ओके तो ये सब था फॉर्मेट जो जो मेरे को पता था जो जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने लोगों से बात करी थी कि मेरे डाउट क्लियर करें तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बता दें क्योंकि बहुत सारे लोग आ, मसाई ज्वाइन करना चाहते हैं अभी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इंडिया में और बाकी बहुत अच्छी फील्ड है तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया और इसीलिए आपको बता रहा हूँ ओके okay, तो कहीं पे भी ये जेन्यून चीज़ें नहीं बताई जाती तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जेन्यून बता रहा हूँ और थोड़ी भरोसे वाली चीज़ें हैं क्योंकि मैं भी किसी पे ऐसे भरोसा नहीं करता तो यही है जो जेन्यून था वो जब सब मैंने आपको बता दिया है और बाकी ऐसा फेंका फांके वाला कोई काम नहीं है जो भी मैंने लोगों से पता किया और पता ऐसे किया कि ट्रस्टेड लोगों से ओके okay, तो तभी आपको बता रहा हूँ और ठीक है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कोई ज़रूरत नहीं बाकी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो यार प्लीज़ मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर लेना क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा और अगर आपको कोई इन फ्यूचर ज़रूरत लगी मसाई में तो आई एम देयर फॉर योर हेल्प और जो भी आपको ठीक है अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में बता देना बिल्कुल आपका जवाब दूंगा ठीक है आपकी कमेंट का कोई इश्यू नहीं है बाकी एक चीज़ आपको पता होगा और आपको नहीं पता है तो बता दूँ कि मसाई अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना तो आपके पास समय की बहुत कमी हो जाएगी भाई बिल्कुल ये मान लो कि कमेंट का किसी के जवाब यानी कि किसी के मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है लेकिन मुझे यूट्यूबिंग भी थोड़ी अच्छी लगती है और मैं रिस्पोंड करता हूँ मतलब ऐसे भाव खाने वाला वो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा तो यही सब चीज़ें हैं बाकी आपको जैसा लगे ठीक है देख लीजिएगा अच्छे से आपके शायद सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में ओके थैंक यू